पवित्र गुरुपूर्णिमा अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कृषकों पर एक बड़ घोषणा करते कृषक संगठन मान तीव्र विरोध पर शेष नुआ कृषि आईन को केन्द्र सरकार प्रत्याख्यान करते प्रधानमंत्री यह निष्पत्ति को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक स्वागत जनाई नवीन ट्वीट कर लिखिंटे प्रधानमंत्री कृषि आईन प्रत्याहर करने निष्पत्ति स्वागत योग्य बीजेडी सर्वदा कृषकों हित रही प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार देशवासी को संबोधित करते समय से तीन टी नुआ कृषि आईन प्रत्याहृत करने घोषणा करने सहित आंदोलनरत कृषक मानू घर को फेरी जातु बोली अपील करते तेज शीत अधिवेशन में एने सांधानिक प्रक्रिया शेष होपटे शीत अधिवेशन बिल प्रत्याहृत ना जाए कृषक संगठन माने आंदोलन जारी रखे बोली भुवनेश्वर ठारे बीजेपी मिश्रण पर्व अनुष्ठित दल पक्ष आयोजित मिश्रण पर्व में पूर्वतन मंत्री तथा अनुगुल जिला आठ मल्लिक निर्वाचन मंडल पूर्वतन बीजेडी विधायक संजीव साहू समेत अनेक समर्थक बीजेपी सामिल होता जमापड़ केन्द्र शिक्षामंत्री तथा वरिष्ठ बीजेपी नेता धर्मेन्द्र प्रधान उपस्थित दल में सामिल होता जमापड़ वायु प्रदूषण वृद्धि पाथ्वर राजधानी दिल्ली में केवल अत्यावश्यक सामग्री परिवहन करथिबा ट्रक को बाद देले अन्य कोनोसी भारी जान प्रवेश उपरे ट्राफिक पुलिस पक्षरु कटकणा लगा जायछि। कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट पक्षरु जारी निर्देशावली आधार रे एवली पदक्षेप निय जायछि बोली स्वतंत्र पुलिस कमिशनर मनीष कुमार अग्रवाल कहिछंती। दिल्ली सीमा बाहर थिबा कोनोसी गोदाम किंबा परिवहन केन्द्र रे निज निजर ट्रक गुड़ी को सुरक्षित भाव रखा लगी सबू ट्रक मालिक और ड्राइवर मानक परामर्श दी जाएगी। प्रदूषण नियम भांगुवा कि पुराणा गाड़ी चलाउा व्यक्ति को धरी दंडित करने को दिल्ली पुलिस पक्षर 170 स्थान में जांच कर किसी वर्ष तले दान माझी निज स्त्री शव को कांधे बोही ने घटना सारा देश में चर्चार विषय पलटि पुणी से भली दृश्य देखा मिली कलाहांडी मेडिकल शव नेवाई कौन व्यवस्था नु मोटरसाइकेल बुहाला शव यह एक अभावन दृश्य देखा मिली पल्ला गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र ठारे सूचना अनुसाई आज सका बेहरागुड़ा ग्रामर करण बामला नामक वृद्धा महिला असुस्थ होबारो निकटस्थ पल्ला गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को 108 आंबुलांस जोगे चिकित्सा पाई परिवार लोके आनी किंतु सेठरे डाक्टर तांको मृत घोषणा करते कि शव आणवाई मेडिकल कौन सुविधा नहीं कहबार एक मोटरसाइकेल जोगे दीर्घ 10 किलोमीटर पर्यंत बेहरागुड़ा ग्राम को आनी परिवार अत्यंत गरीब श्रेणीर होइतिबार कौन उपाय नपाई बाध्य एक मोटरसाइकेल जोगे शव आनी प्रकाश कर आसिला स्वदेशी हालुका हेलिकॉप्टर भारतीय वायुसेना पाई हालुका लड़ुआ हेलिकॉप्टर लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टर को सेनार्पण करछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी राष्ट्ररक्षा समर्पण पर्व में लड़ुआ हेलिकॉप्टर को सेनार्पित कर संपूर्ण स्वदेशी ज्ञान कौशल निर्मित होई पवित्र कार्तिक पूर्णिमा रे कोरोना कटकणा पई चलित वर्ष पूरी श्रीमंदिर रे भक्तों को दर्शन बरण कराई फल बाहर पतित पावन दर्शन कर भक्तों को असंतुष्ट होबाकु पड़ुछि। आज श्रीमंदिर रे श्रीजीवंक राजराजेश्वर तथा सुनावेश अनुष्ठित होउछि। कार्तिक पूर्णिमा रे पारंपरिक रीतिनीति अनुसार रत्न सिंहासन रे सुनावेश रे श्रीजीवंक दर्शन मिलथाय किंतु कोरोना कटकणा पई ए वर्ष साधारण दर्शन बंद रही। ममिता मेहर हत्या घटना को नहीं मुख्यमंत्री बर्षि केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान दीर्घ दिन पर ममिता प्रसंग को नहीं मुह खोली धर्मेन्द्र आउ निज प्रश्न बाण से नवीन को घायला करिसेंति केन्द्रमंत्री बीजेपी कार्यालय राज्य सरकार को टार्गेट करिसेंति धर्मेन्द्र ओडिशा रे आईन श्रृंखला व्यवस्था स्थिति कौन ता पूरा राज्यवासी जानते कौन सी अभियोग आसिले नैतिकता आधार में अनेक मंत्री को मुख्यमंत्री विदा करिसेंति किंतु ममिता प्रसंग रे आपणको प्रिय लोकर नैतिकता कोण अलगा बोली प्रश्न करछथि धर्मेन्द्र। कोचिंडा सदर बामरा ब्लॉक अंतर्गत पानापोष ग्राम रे आज छतावर ग्रुप रो तैलिक वैश्य समाज तरफ रु कोरोना कटकणा को दृष्टि रखि बोइत बंदाणा उत्सव पालित होछि। छतावर ग्रुप रो तैलिक समाज सभापति गुणसागर साहू संपादक किशोर चंद्र सभ्य क्षेत्र मोहन साहू बसंत कुमार साहू सुरेश साहू श्रद्धाकर साहू पानापोष ग्रामवासी उपस्थित हो आनंद उल्लास रे बोइत बंदाणा करथिले। शिक्षार मान वृद्धि करने स्मार्ट स्कूल छात्र छात्री उत्तम शिक्षा जोगाई देवाई राज्य सरकार 5G योजन पुराणा स्कूल रूप बदला स्मार्ट स्कूल कर गंजाम जिले में 133 स्मार्ट स्कूल को स्मार्ट स्कूल कर मुख्यमंत्री प्रथम पर्यायर हिंजिड़ी में 50 स्मार्ट स्कूल उद्घाटन कर गतकाली वर्चुअल आउ 23 स्कूल उद्घाटन कार्य शेष होती
ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲର ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ 5G ଯୋଜନାରେ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲର ରୂପ ଏବେ ବଦଳୁଛି, ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗଞ୍ଜାମର 133 ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲର ଶୁଭ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଥାନା ଭାବେ ଶୁକ୍ରବାର ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ର ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦିନେଶ ଦାସଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନଜନିତ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି ବିଜେଶ ରାୟ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌରବ ବୋଲି ମତ ଦେଇ ଟ୍ରଫି ଓ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।